इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के स्कीम नंबर 71 में स्थित श्री संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर से भोलेनाथ जी की भव्य पालकी यात्रा निकली। सबसे पहले मंदिर में भोलेनाथ जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया, उसके बाद पालकी में बैठाकर भोलेनाथ जी की आरती की गई। इसके बाद क्षेत्र में पालकी यात्रा निकाली गई। श्री संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर से भोलेनाथ जी की भव्य पालकी यात्रा निकली। इस दौरान महिलाएं ढोलक पर नृत्य करती हुई चल रही थी। इस अवसर पर भोलेनाथ जी की आरती उतारी गई और पालकी में बैठाकर उनका आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कराया। इस दौरान महिलाएं उत्साह में नृत्य करते हुए चल रही थीं। इस दौरान पालकी का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। मंदिर के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर हर अमावस्या पूर्णिमा पर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। यहाँ पर शिव परिवार विराजित है। सावन माह में भोलेनाथ जी का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है, साथ ही रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। स्कीम नंबर 71 संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर से रणजीत हनुमान मंदिर तक पालकी यात्रा निकाली गई। वहां से वापस यह पालकी शिव हनुमान मंदिर पहुंची। पालकी यात्रा का आयोजन इसी वर्ष से किया गया। महाशिवरात्रि पर भी यहां से महाकाल सवारी के रूप में पालकी यात्रा निकाली गई थी। श्री संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर हर अमावस्या पूर्णिमा पर हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाता है, साथ ही शिव परिवार भी विराजित है और यहाँ पर श्रावण माह में भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है और रुद्राभिषेक का भी सुबह मॉर्निंग में आयोजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है और श्रावण के आखिरी सोमवार पर यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पालकी का आयोजन रखा गया है, जिसमें स्कीम नंबर 71 संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर से लेकर रंजीत हनुमान मंदिर तक पालकी जाएगी और वहाँ से वापस संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर पर पालकी वापस आएगी। कितने वर्ष हो गए हैं सर? पालकी की शुरुआत तो इस वर्ष से ही की जा रही है और प्राचीन मंदिर है, पालकी की शुरुआत महाशिवरात्रि पर भी पालकी का महाकाल की सवारी के रूप में पालकी निकाली गई थी और अब संकल्प लिया गया है कि महाशिवरात्रि और श्रावण के महीने में पालकी निकाली जाए। श्री संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर देवी अहिल्या उद्यान में स्थापित है और इस मंदिर प्रांगण में भगवान को लेकर आसपास के क्षेत्र के सभी रहवासियों में बहुत अधिक श्रद्धा, भक्ति, उमंग और जोश रहता है। जैसा आप देख रहे हैं, बच्चे निरंतर ढोल बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, महिलाएं, पुरुष सभी इस पालकी यात्रा में, इस सवारी में एक साथ सम्मिलित हैं। सारी कॉलोनी में स्थान स्थान पर सवारी का स्वागत किया जाएगा और जैसा अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री वीरेंद्र सिंह राठौर वीरू भैया ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार को प्रतिवर्ष इस तरह की सवारी निकलेगी, साथ ही महाशिवरात्रि पर्व पर भी इस तरह की सवारी मंदिर प्रांगण से निकाली जाती है।